नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। आरबीआई ने जमानत मुक्त कृषि कर्ज की सीमा 1.4 आरबीआई ने जमानत मुक्त कृषि कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपए की। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद। 15 फरवरी को ट्रेन 18 को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। INX मामले में कार्ति चिदंबरम पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश। लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। जम्मू एवं कश्मीर में हिमस्खलन से प्रभावित 7 परिवारों को बचाया गया। दिल्ली भाजपा प्रमुख सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली सरकार की शक्तियों पर शीर्ष अदालत का फैसला अगले सप्ताह। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश। सीबीआई ने 10 अधिकारियों को 20 फरवरी तक कोलकाता में तैनात किया। उत्तर प्रदेश के बजट में कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। शेयर बाजार में सपाट कारोबार, सेंसेक्स 4 अंक नीचे। ट्रंप ने विश्व बैंक प्रमुख के लिए मलपास को नामित किया। भारत में फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन पारदर्शिता टूल लॉन्च।